फॉर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन फैक्टर को कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट वन सॉल्व करते हैं कंबशन ऑफ मैथनल कंबशन ऑफ मैथनॉल के लिए स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन दी हुई है आगे पूछ रहे हैं कि इफ 3.50 पॉइंट फाइव जीरो मोल्स ऑफ मैथनल आर बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज पार्ट ए एंड पार्ट बी सेज हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस यानी कि आपको स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैथनॉल गिवन है आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ऑक्सीजन के वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमें रिक्वायर्ड गिवन क्वांटिटी मालूम है यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मेथनॉल जो हमें मालूम है उनके थ्रू हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हुए उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे अब इसमें कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगी स्टार्ट करते हैं अब स्टूडेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब आप देखते हैं तो आप यहां पर ये यह देख रहे हैं कि टू मोल्स ऑफ मैथनॉल ऑफ मैथनॉल मैथनॉल इज जनरेटिंग अबाउट थ्री मोल्स ऑफ ऑफ ऑक्सीजन अब इस स्टेप में आप मोल रेशो लिखेंगे मोल रेशो मोल रेशो कैसे लिखेंगे कि अननाउन का कोफिशियंट ऊपर लिखेंगे और नाउन का कोफिशियंट नीचे लिखेंगे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैथोनोल पता है मालूम है तो थ्री डिवाइडेड बाई टू ये हो गई आपकी मोल रेशो आपने कोफिशियंट इस तरह लिख लिए अब आप लिखेंगे इधर थ्री पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ सी एच थ्री ओ एच विल बी रिएक्टिंग विद्री बाय टू Multiply by 3.50 moles of oxygen. Calculate karenge, 3 multiply by 3.50. 5.25 moles. It means k 3.5 moles of methanol will react with 5.25 moles of oxygen of oxygen. स्टेप नंबर टू देखेंगे स्टूडेंट्स कि अब हमने ये इसी तरह हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड पार्ट बी स्टार्ट करते हैं कि टू मोल्स ऑफ मैथनॉल टू मोल्स ऑफ मैथनॉल विल बी प्रोड्यूसिंग अबाउट फोर मोल्स ऑफ वाटर अब यहाँ पे दोबारा मोल रेशो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैथनॉल हमें पता है तो हम क्या करेंगे फोर डिवाइडेड बाई टू अन नॉन डिवाइडेड बाय नॉन देन हम लिखेंगे थ्री पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ मैथनॉल विल बी प्रोड्यूसिंग फोर डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे फोर डिवाइडेड बाय टू 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 ज फोर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट फाइव ल बी सेवन यानी कि सेवन मोल्स ऑफ वाटर जनरेट होंगे यानी कि थ्री पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ मैथनॉल विल बी प्रोड्यूसिंग अबाउट सेवन मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम कैसे कन्वर्जन फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर